मेरे भोजन का भोगी मेरे भोजन का भोग लगा जाना। सो भैया राम सीता आए रहे तो रास्ता में हनुमान लक्ष्मण मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले के भगत है, बहुत अच्छा भोजन बनाता है। तो बोले हमें बुला चलो कि चलो। अब दो के है गए चार, पांच अपन राम के पांच हुए, सीता जी के छोले। बाद में लक्ष्मण ठाड़े तो लक्ष्मण के पांच छोले। बोले प्रभु जे को है के जे तुम्हारे चाचा है। सही है। एक बात तो पूछे बुरी ना लगे तो पूछो। तुम्हारे घर में आदमी खत्म हो गए सुबह से जा बंदर गुले चले आए संगम में, तुम्हें मालूम ना आई जाऊ संग ले आए बंदर को। बोले जे तो बंदर ना तुम्हारे छोटे चाचा है। सो बिनऊ के पांच छोले। वो बोला ही आदमी था सरल था, लेकिन अंदर से कुछ नहीं मुंह से कहता है, लेकिन भगवान भावों को समझ रहे हैं। बोला इतनी है। बोले आज तो गुरु तुम जानते हो 11 रोटी लेने। अब 11 माऊ चट्टा माऊ देखे ऐसे ऐसे आदमी देखे सो फिर दे में आग लग गई। बाकी पत्तल बिछाई बाने सबको भोजन कराए रोटी बची दो और दो खाए के फिर मतलब चला गया। अब गुरुजी ने फिर पूछ भोला ने पूछी फिर भगवान से दो बुलाए एक बुलाए तब दो बुलाए तो आए तुम चार। अब क्लियर है बताए जाओ भैया बेर बेर मैंने भूखो रहे पूंगा तुम्हारे चक्कर में आज क्लियर बताओ तो कितने आओगे। बोले चार तो कन्फर्म है ही चार ही आओगे ज्यादा तो ना आओगे। बोले चार तो है ही। रामन ने बताई। अब भोला घरे गो आश्रम पे गुरुजी ने फिर पूछी यादे ले गो तो आज तो भरो हो गो। बोला आज तो भर गो। अब भोला को बहुत ज्यादा गुस्सा पानी अब भरवे की बात है करता। एक बुलाओ गुरुजी तब दो आए और दो बुलाए तो चार टपक परे संगम बंदर वाले आए। गुरुजी ने फिर भी बात मतलब मजाक में टाल दी। नहीं सोचा तो ना भरो तो बिल्कुल ना कहा की बार पूरी बोरी भर के ले जाइए जाते ले छूट है। सो कुछ आटा आलू माने चांद पर तीसरी एकादशी को भर के रखी और जितो वापस चलो तितो माने रख लो और जाए के पेड़ के जरत रख दई बोरी और बोरी जो रखी हो सोई माने आवाज लगाई दे भोजन न बनाए आवाज लगाई दे खोरी। बोले तुम्हारे कदम बड़े बड़े के आ तो आज आओ आज तुम पे ही बनवाऊंगो मैं खाऊंगो आओ कितने आओगे और जो जरूरत है बोरी रखी माने और आवाज लगाई दे कैसी मेरे राम आना सीता राम आना मेरे भोजन का भोग Yeah.
मेरे भोजन का भोग लगा जाना। तो जय जय राम सीता लक्ष्मण हनुमान चले परिवार मिल गए। आने कहा जा रहे? बोले भगत बहुत अच्छा है भोजन बनाता है। बोले तो आज हम चलेंगे तो शिव चले, चारों की बहू है पूरा खानदान चलो आओ। बोला ने जो लंबी सी लाने आते भाई देखी। बोले आ जाओ आओ, तुम कितने आओगे? आज बनाओ ही ना, हिस्सा वंट पहले ही कर लूंगा। अब जो आए तो राम ने सबके बाने पैर छुए। पानी प्रभु जी इतना बड़ो घर हो तुम आओ? बोले हाँ। घरे कोई रहता ना? बोले घरे कोई ना, सिब आए गए। हाँ करता में तो ना है कोई करना। बोला अरे भोजन भोजन ना दिखाई दे रहे? बोले भोजन में बोरी बंदी जरत रखी। मैंने सोची मैं अकेलो बना तू, तुमसे बड़े बड़े के हाथ हो और बड़े बड़े के हाथ हो तुम प्यार तो खा के चले जाते। आज देखो मैं तो करूंगा सीताराम भजन, आज भोजन बनाओगे तुम। नियम कहते हो इतने दाए गए बना तो मोए, तुम बनाओ मैं खाऊंगा। और फिर एक बात और, जहां पर माता जानकी रसोईया बन जाए तो फिर भीड़ कम कैसे आ जाए? देवी देवता सब उतर आए। बोले आज तो माता जानकी माता सीता रसोईया बनी है, आज तो भोजन का स्वाद ही अलग होगा। तो सब अपने अपने रूप लेके गिर परे भाई ने दिया पे मेला लग गया। अब इतने गुरु जी चले क्या आज जाए देखूंगा जो कहूं बेच बाच तो ना दे तुरता मैं साथ कहूं बेच आ तो ताइसु कहते हो मैं का फतू। इतने गुरु जी चले हनुमान लक्ष्मण गए लकड़िया लेन, तो हनुमान पेड़ पकड़े उखाड़ के फेंक दे। गुरु जी ने दूत तो देखी इधर भोजन बना और सारी लंबी पंगत बैठा रही। भोला सबको एक ही था और सबको भोजन करा रहा है। गुरु जी आए लेकिन गुरु जी ने देखा कि भोला यहाँ बैठा बैठा तू क्या कर रहा है? कब भोजन करे तूने? भोले भोजन दावत चल रही है तुम्हें जो मालूम हूं। लेकिन इतना रहा कि कपटी कपट जहां होता है वहां पर भगवान दिखाई नहीं देते। गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे हम अब मेला से लगो। बोले दावत चल रही है यहाँ तो रे कोई नजर ना आ रहा, तू कह रहे दावत चल रही है कि तुम्हारी किस्म? गुरु जी राम ने सारा किया कि हम तुम्हारे गुरु को दिखाई नहीं दे रहे। बोला बोलो काय को ऐसे कर्म कर रहे हो? गुरु जी को दिखाई ना दोगे तो गुरु जी मार चंडे के आज हमें छोड़ेंगे ना। गुरु जी मारे से काम करो, दर्शन गुरु जी को देने पड़ेंगे ना, तुम जा चक्कर में हो। गुरु जी जी गंगे मोहरा बंदुआ बोरी लेके आओ ही गई का, तुम तो पेट भर के चले गए लेकिन आज हम पर बड़ो डंडा पड़े हुआ आश्रम में। बोले नहीं तुम्हारे गुरु जी को कपट है। तो भोला की आंखों से आंसू निकल आए। क्यों? कि भगवान तुम दिखाई नहीं दोगे तो फिर हमारी क्या दशा होगी, तुम तो चले जाओगे। सोचो भगवान ने दर्शन दिए, लंबी सी दावत दिखाई दी गुरु जी को। भाई में राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी हनुमान सभी देवी देवता। सो गुरु जी को ऐसो मालम परो इतने आ जाए थे फिर लगटल को लटक गो सीधा टूट दो।